हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि बहुत बिजी रहा, क्योंकि आज के दिन मुझे पूरी सफाई करनी होती है। तो बस मैं झाड़ू पोछे में लग गई, और झाड़ू पोछे से पहले मुझे इन दोनों को बहुत बिजी रखना होता है, क्योंकि यहाँ का जो फ्लोर है बहुत स्लिपरी हो जाता है, और मैं थोड़ा सा सर्फ और बच्चे एक जगह पर बैठे रहे वो ना उठे, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि शान उठी है, वॉक करा है गीले पोछे पर और वो गिर गई है। इस वजह से पहले पूरा माहौल बनाना पड़ता है कि जिस वजह से बच्चे उस चीज़ में बिजी रहे और वो ना उठे। और यहाँ मैं पूरी मेहनत से झाड़ू पोछा करती हुई, मैं ट्वाइस इन अ वीक करती हूँ, एवरी डे नहीं करती हूँ। आज टीवी के चक्कर पापा को हटा रही हो? इसको सुबह से अब टीवी देखने को मिला। पापा आगे, पापा पापा शानू, हाँ आपको झूठ बोल रहे हैं क्या? तब से हम बोल रहे हैं पापा पापा पापा। हाय बेबी, आ जा बाबू। ओ ये कम शाबाश शाबाश दुगी। हाय हाय हाय, पता नहीं अपनी लैंग्वेज में क्या बोलती है, लेकिन बोलती तो बहुत है, कुछ ना कुछ बोलती है। बेबी लैंग्वेज होती है वो। हाँ अब इसको ये अब टीवी देखने को मिला है ना, इसलिए। तो जिस दिन मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, उसे मेरे डे बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्यों थोड़ा सा टायरिंग हो ही जाता है, क्योंकि अकेले करना सब कुछ तो डिफ़िकल्ट तो होता ही है, क्योंकि सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होता, डस्टिंग भी होती है, चीज़ें हटानी या वह करनी, बीच में बच्चों को भी मैनेज करना। तो इस वजह से मैं प्रॉपर मील नहीं बनाती, लाइक सब्जी रोटी नहीं बनाती उस दिन पर। मैं थोड़ी बहुत स्नैकिंग वगैरह वाली चीज़ बनाती हूँ, जैसे कि अब राहुल आ गए हैं, उन्हें अपने ऑफिस जाना है, तो इस बीच में कुछ नहीं कर पाई जल्दी से। बस मैंने ये बेसन के चीले बनाए हैं, तो बेसन के चीले में अगर मैं फिलिंग ये कर देती हूँ ना पनीर की, तो वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि हाँ चलो खाना खा लिया। और बेसन के चीले हमें लगते भी बहुत टेस्टी हैं, और सच बताऊँ तो मैंने मूंग दाल के भी ट्राई करे हुए हैं, लेकिन नहीं, या तो मुझे ठीक से बनाने नहीं आए या क्या चक्कर है, लेकिन मुझे बेसन के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बेसन के चीले बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, ये शायद वन ऑफ दोज थिंग्स है जो मैं बहुत अर्ली टाइम पर बनाना शुरू कर देता, लाइक 10th 11th क्लास में मैं इस पर माहिर हो गई थी, क्योंकि ये चीज़ मेरी फेवरेट है। तो जो चीज़ मेरी फेवरेट थी ना, तो मैंने सबसे पहले बनाना सीखा, क्योंकि क्या होता है ना, अगर बाई चांस मम्मी थकी हुई है, कहीं गई हुई है, तो एटलीस्ट इतना तो हो कि जो चीज़ें फेवरेट है वो बनानी आए, ताकि जब मन करे तब बना सके। इसलिए बेसन की, जैसे बेसन का हलवा, बेसन का चीला, तो बेसन की चीज़ें मुझे पसंद है, इस वजह से मैं इस चीज़ में कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि हाँ चीले बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली फीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से मैं बड़े बड़े बनाती हूँ, और मुझे पर्सनली करारे खाने बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं करारे ही बनाती हूँ, अच्छे लगते हैं। और पनीर की फीलिंग होती है तो ही मैं प्रेफर करती हूँ, अदरवाइज मुझे इतना अच्छी नहीं लगते चीले, फीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर मटर होती तो मैं मटर भी ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि फ्रोज़न होती है, उन्हें उबालने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे इमली की चटनी का ऐसा जुगाड़ हुआ कि KFC पे यहाँ पे एग्जैक्ट इमली वाले टेस्ट की चटनी मिलती है। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ लॉन्ड्री फोल्ड, और जैसे थोड़ी सी तो मैंने कल कर ली थी और थोड़ी सी बची हुई थी, क्योंकि जो लास्ट वाले जो क्लोथ्स थे ना, वो फिर मैंने नेक्स्ट डे उतारे, अदरवाइज़ कोशिश मेरी यही रहती है कि जैसी सूख जाए मैं वैसे ही उतार दूँ, क्योंकि बाहर पता नहीं चलता ना कि कब किसी ने बीट वगैरह कर दिया, फालतू में काम फैल गया, और यहाँ की बारिश का कुछ नहीं पता होता। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने वेदर चेक करके कपड़े सुखाए हैं, लेकिन फिर भी बारिश हो गई है, और तब मुझे बहुत गुस्सा आया है, तो इस वजह से वो वाली चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ। और अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमने यहाँ पे AC चला लिया, AC के रूम से नहीं निकले थे, स्पेशली शान को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इस वजह से ये देखो दूध पीते पीते सो गई है, इस वजह से हम लोग इस रूम से नहीं निकले थे। और मैंने किया को यहाँ पे ही बोला कि ठीक है यार, यहाँ पे आके कलरिंग कर लो, वरना मैं बेडरूम में ये सब चीज़ें लाना अलाउ नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर रूम में टॉयज़ हो जाएंगे, हर रूम में इनकी चीज़ें हो जाएंगी, मैं नहीं करूँगी। आ जाओ आप भी आके मेरे पास स्लीप कर लो, ये जो क्या मैं नहीं करूंगी। अरे मैं सिर्फ यार आपके पास करने, मुझे ओके कैसे करोगे यहाँ पे?
स्लोली। नहीं सुना, मैं क्यों करूं? आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे आप? मैं कर रही हूँ, बट आप भी करो मेरे साथ, और फन नहीं। आप आ जाओ मेरे साथ, लेट जाओ मेरे और शानू के साथ, लेट जाओ। अरे फन ले रही बहुत ही लेते। अच्छा इतना मेरा कलरिंग करना क्या जरूरी है? क्या होगा जब मैं कलरिंग करूँगी तो क्या मिलेगा आपको? फिर अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। ओके तो सच बताऊँ, जब से शान आई है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा दो जगह अब ध्यान रहता है, दो जगह एफर्ट्स रहते हैं, तो किया का बहुत कम ही ऐसा होता है कि ध्यान रख पाऊँ। लेकिन जैसे ही शान सोती है, ये हम दोनों का मी टाइम होता है। हम दोनों, मैं उस टाइम पे इसकी मसाज वगैरह करती हूँ, हम दोनों बातें करते हैं और हमारा ये मी टाइम होता है। मैंने इसको यही बोल रखा है, मैंने कहा जैसी शान सोया करेगी ना, उस टाइम पर मेरा पूरा टाइम आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला है कि अच्छा चलो, मैंने आपके आज टू पोनी करी है ना, चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये पोजेस दे रही है, इसको ये लग रहा है कि शायद मैं पिक्चर क्लिक कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी अपनी मेमोरीज़ के लिए। फिर हम दोनों ने साथ में बैठ के कार्टून वॉच करे। तो शान के सोने का फ़ायदा मैंने और उठाया। मैंने क्या को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, आप अपने कार्टून्स वगैरह मूवीज़ वगैरह वॉच करो, मैं इतने खाना बना लेती हूँ। इस वजह से मैंने जल्दी बनाना शुरू कर दिया। एक तो रीज़न ये भी था कि हम लोग फिर वॉक के लिए चले जाते हैं, आते लेट है, फिर खाने के लिए लेट हो जाते हैं, इसीलिए अब मैं पहले बना के रख देती हूँ ताकि हम वॉक से वापस आए और खा पी के सो जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुलाव, और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ डालूँ, क्योंकि मुझे भी उस तरीके से पसंद है और मुझे ये भी रहता है कि हाँ ठीक है, बच्चों के लिए और थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, और प्याज तो मेरी फेवरेट है। क्या अगर मैं पुलाव बना रही हूँ तो मैं कम से कम 2 या 3 प्याज डालती हूँ, क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाते हैं, इसलिए मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ मैं खाने की। इस बीच उठ गई थी शान, शान को मैंने अपने पास बिठा के बिजी कर लिया, और ये इसकी फेवरेट प्लेस है, यहाँ पर इसको जो मन करता है वो सब निकालती है, फैलाती है। शान मेरे पास प्ले कर रही है, आप क्या कर रहे हो? शान को प्ले करा लो। चलो चले वॉक के लिए आ जाओ। कहाँ 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 क्यों भागे जाते हो? आ सोनल को देख क्यों भागे? चलो चलो बैठना, चलो से बैठो। हाँ जी हाँ जी, रख दो इस साइड, रख देती हूँ। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं अपनी वॉक के लिए, और शानू को शानू 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 को घुमाने। नहीं मेरा मेरी फिर भी थिक है, और मुझे नहीं लग रही फुल स्लीव्स पहना, अभी भी कह रही हूँ। और शानू ने, शानू इसमें है शो ना, इसको इतनी ही हवा लगेगी, विंडी हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपने रास्ते में बोला ना कि मेरे को ठंड लग रही है तो देखना। ये कैट है, फ्रेंडली है, लेकिन मुझे स्कैर्ड हो रहा है। क्या बुला रही है? शानू बुला रही है, म्याऊ म्याऊ करके। ये हमें, ये हमारे पास आ रही है अपने आपको पेट कराने के लिए। करना है आप दोनों में से किसी को? देखो ऐसे लेट रही है, इसको ये कह रही है कि पेट कर दो। नहीं मैं स्कैर्ड होती हूँ। कर लो टच करके देखो एक बार। चलो हाँ चलो चलते हैं। नहीं मैं नहीं पेट करूंगी। कर लो आप पेट कर लो। नहीं शुरू नहीं, अरे आप हो आप नहीं, मैं स्कैर्ड होती हूँ। चलो चलो अब चलो लेटर कर लिया। वो डॉग 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 भी पेट करके देखो। नहीं नहीं वो स्कैर्ड हो रही है डॉग से। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। शानू का बस चलो वो भी आ जाए,
चलो अब चलते हैं। अब कैसे हैंड वॉश करोगे आप एप्पल खा रहे हो? पर ये वाला हैंड धो है, वो दूसरा वाला मत यूज करना, वो वाला ठीक है। चलो चलते हैं, विंडी हो रहा है। क्या चल रहा है, किया ने उसको पैट तो कर लिया कैट को, और उसके बाद अब इस हैंड को ना यूज ही नहीं कर रही, इवन इच करने के लिए भी यूज नहीं कर रही। हम जगह जगह ना टैप फाइंड कर रहे हैं, गार्डन्स में टैप तो है लेकिन उतने टाइट बंद है कि हम डर जाते हैं कि हमने खोल दिया ना तो वापस से बंद नहीं होगा। तो अभी तो हम लोग शायद वापस जाएंगे हैंड वॉश करके फिर वापस आएंगे। तो हम लोग घर पे आए हैं, अब क्या ने हैंड वॉश करी, किया हैप्पी? तब से हैंड टच नहीं करी थी कहीं पे भी, अब हैप्पी है। और हम लोग जल्दी से एक और छोटी सी वॉक लेके आते हैं। अब बच गए 9, हम लोग वापस आ गए। नौ शोना जाओ, आप मम्मा स्टॉलर रख के आ रही हैं, जाओ। शान आओ क्लीन करो, ये सारा क्लीन करो, जल्दी आओ, क्या दीदी की हेल्प करो जल्दी। गुड गुड, सारे ब्लॉक्स डालो अंदर। Sweet baby, you are the best. Oh wow, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अब आप कुछ अच्छा से चिल्लाओ टीवी में। आज का व्लॉग यहाँ पे ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है, इस व्लॉग के बारे में कुछ भी अच्छा लगा है, या फिर आप इसको ऐसा लगता है कि हाँ कोई और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में वो ऐसा कंटेंट वॉच कर सकते हैं, देन प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना अपनों का ध्यान रखना, बाय बाय।